Hello everyone, welcome back to Easy English with Anjali. How are you all? I hope you are doing amazing things in your life and learning English. Today in this video, we are going to learn the differences between a little and little, right? काफी सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं कि अ लिटिल कहाँ पे यूज होता है और लिटिल कहाँ पे यूज होता है. सो दैट्स व्हाट टुडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लिटिल एंड लिटिल. लिटिल मतलब होता है छोटा सा, आपने सुना होगा, छोटा सा या थोड़ा सा, राइट? तो अ लिटिल और लिटिल दोनों ही क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स हैं. जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते हैं उनको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स. ठीक है, काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वन बुक, टू बुक्स, थ्री बुक्स. लेकिन ये क्या है, अनकाउंटेबल है, इनको हम गिन नहीं सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वाटर, राइट? तो वाटर को आप, पानियों को आप गिन नहीं सकते हैं. एक पानी, दो पानी, वन वाटर, टू वाटर, आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं. आप बोल सकते हैं वन ग्लास ऑफ वाटर, टू ग्लासेस ऑफ वाटर, राइट? तो ये चीज़ें होती हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं. अब देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, अ लिटिल एंड लिटिल. अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, सम अमाउंट, मतलब कुछ अमाउंट हमारे पास उस चीज़ की है, और इसका यूज़ होता है पॉजिटिव वे में, राइट? अभी जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. और लिटिल का यूज़ कहाँ पे होता है, नेगेटिव वे में यूज़ होता है, और इसका मतलब है थोड़ा, मतलब ना के बराबर, ऑलमोस्ट नथिंग, मतलब बहुत ही थोड़ी सी कोई चीज़ हमारे पास है, नॉट मच, इनफ नहीं, मतलब थोड़ी सी ही चीज़ है. तो चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं. आई हैव अ लिटिल मनी सो आई कैन बाय इट. अब देखिए, आई हैव अ लिटिल मनी, अगेन यहाँ पे मनी आया हुआ है. मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स, मनी को हम गिन नहीं सकते हैं, है ना? मनी को हम नहीं गिन सकते, हम नहीं बोल सकते कि वन मनी या टू मनी या थ्री मनी. हम ऐसे बोल सकते कि वन रुपी नोट, टू रुपी नोट, या फिर वन डॉलर, टू डॉलर्स, हम ऐसे काउंट कर सकते हैं, बट हम ये नहीं बोल सकते कि वन मनी या टू मनी या थ्री, राइट? तो मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स है. आई हैव अ लिटिल मनी, अब यहाँ पे इसका यूज़ कैसे हुआ है, पॉजिटिव वे में यूज़ हुआ है. आई हैव अ लिटिल मनी सो आई कैन बाय इट, मतलब मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, बट थोड़े से पैसे हैं. आई कैन बाय इट, मतलब मैं इसको खरीद सकती हूँ. ये पॉजिटिव वे में यहाँ पे यूज़ हुआ है, मतलब मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, राइट? आई हैव अ लिटिल मनी सो आई कैन बाय इट, मतलब मैं इसको मैनेज कर सकती हूँ, इस चीज़ को खरीदना. थोड़े से पैसे हैं, मैं काम चला सकती हूँ, राइट? तो आई हैव अ लिटिल मनी सो आई कैन बाय इट. आप इसको दोनों में डिफरेंस ऐसे आप समझ सकते हैं, अ लिटिल में टू वर्ड्स हैं और लिटिल में सिर्फ वन वर्ड है. तो आप इस तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं कि लिटिल एक सिंगल वर्ड है, मतलब बहुत थोड़ा सा है, और अ लिटिल इसमें टू वर्ड्स हैं, मतलब इससे ज़्यादा हैं, राइट? तो मतलब काम हमारा चल सकता है. अ लिटिल लिटिल, अ लिटिल मतलब थोड़ा सा अमाउंट है मेरे पास, और लिटिल मतलब बिल्कुल थोड़ा सा है, इससे काम नहीं चल सकता, इससे काम नहीं चल सकता, बट इससे हम लोग मैनेज कर सकते हैं, हमारे पास इतना अमाउंट है कि हमारा काम चल सकता है. नेक्स्ट, आई हैव अ लिटिल वाटर, यू कैन ड्रिंक इट इफ यू वॉन्ट. अब क्या है, वाटर, वाटर भी अनकाउंटेबल नाउन्स है, आप इसको काउंट नहीं कर सकते हैं. आप नहीं बोल सकते हैं कि वन वाटर, टू वाटर, थ्री वाटर, ऐसे आप काउंट नहीं कर सकते. वन ग्लास ऑफ वाटर, टू ग्लासेस ऑफ वाटर, या फिर वन बॉटल ऑफ वाटर, आप ऐसे बोल सकते हैं. तो अगेन, वाटर भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन्स है, राइट? तो आई हैव अ लिटिल वाटर, मतलब मेरे पास थोड़ा सा पानी है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, बट थोड़ा पानी है. यू कैन ड्रिंक इट इफ़ यू वॉन्ट, अगर मतलब तुम प्यासे हो या पानी तुम्हें चाहिए तो तुम इसको पी सकते हो. है मेरे पास थोड़ा सा पानी, तो आप इसको पी सकते हो. ये पॉजिटिव वे में हमने बोला कि काम चल सकता है, इतना पानी मेरे पास है कि ये तुम पी सकते हो, तुम्हारी प्यास इससे बुझ सकती है. नेक्स्ट, देयर इज़ अ लिटिल शुगर इन द कंटेनर. देयर इज़ अ लिटिल शुगर इन द कंटेनर, मतलब शुगर है, शुगर को भी हम काउंट नहीं कर सकते. हम इसको केजी में काउंट कर सकते हैं या वन पैकेट में काउंट कर सकते हैं, वन पैकेट ऑफ शुगर या वन केजी ऑफ शुगर,
राइट। तो हम ऐसे नहीं काउंट कर सकते कि वन शुगर या टू शुगर, राइट, ऐसे हम इसको काउंट नहीं कर सकते। ये भी अनकाउंटेबल नाउन्स, हम इसको ऐसे नहीं गिन सकते हैं। देयर इज अ लिटिल शुगर इन द कंटेनर, मतलब कंटेनर में थोड़ा सा शुगर बचा हुआ है। तो अगर हमें कुछ बनाना हो तो इतना शुगर उसमें है कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उससे हमारा काम चल सकता है। ठीक है, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट थोड़ा सा है, हमारा काम उससे चल सकता है। अगर हम काम चलाना चाहें तो काम हमारा चल सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिटिल नेगेटिव है, जैसे मैंने आपको बताया, नेगेटिव है और ना के बराबर है, नॉट मच, मतलब बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट हमारे पास है। अब देखिए एग्जांपल, शी हैज़ लिटिल मनी टू स्पेंड दिस वीक। शी हैज़ लिटिल मनी, अब यहाँ पर अ लिटिल यूज़ हुआ था, यानी कि थोड़ा ज़्यादा है, मतलब इससे तो ज़्यादा है, काम हमारा चल सकता है। अब यहाँ पर क्या है, सिंगल वर्ड है, लिटिल, ओनली लिटिल। शी हैज़ लिटिल मनी टू स्पेंड दिस वीक, उसके पास बहुत ही थोड़े से पैसे, लिटिल मतलब थोड़ा, ना के बराबर, मतलब इतना सा ही है कि काम हमारा नहीं चल सकता है, बहुत ही कम अमाउंट में, राइट। तो शी हैज़ लिटिल मनी टू स्पेंड दिस वीक, मतलब इस हफ्ते खर्च करने के लिए उसके पास पैसे बिल्कुल ना के बराबर हैं, उसका इस हफ्ते जो है, दिस वीक, उसका काम नहीं चल सकता है, राइट। शी हैज़ लिटिल मनी टू स्पेंड दिस वीक, नेगेटिव आ गया ना, मतलब उसका काम नहीं चल सकता, बहुत ही थोड़े से पैसे हैं उसके पास। शी हैज़ लिटिल मनी, बहुत ही थोड़े से पैसे हैं उसके पास। आई एम सॉरी आई स्पीक लिटिल इंग्लिश, आई एम सॉरी आई स्पीक लिटिल इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश बहुत ही थोड़ा सा बोलता हूँ, मतलब मैं किसी से कन्वर्सेशन नहीं कर सकता, मैं किसी से इंग्लिश में बात नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आई स्पीक लिटिल इंग्लिश, बहुत ही थोड़ा इंग्लिश बोल पाता हूँ, मतलब ना के बराबर है, मतलब मैं इंग्लिश में बात नहीं कर सकता हूँ, या समझ नहीं सकता हूँ, या नहीं बोल सकता हूँ। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, आई स्पीक लिटिल इंग्लिश, मैं बहुत ही कम इंग्लिश बोल पाता हूँ, मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, राइट, मतलब मैं ना के बराबर इंग्लिश बोलता हूँ। तो आई स्पीक लिटिल इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश बहुत ही कम बोलता हूँ। नेक्स्ट, आई रिमेंबर लिटिल अबाउट माई ग्रैंड पेरेंट्स, आई रिमेंबर लिटिल, बहुत ही थोड़ा सा, मैं मुझे थोड़ा सा ही याद है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में जो भी चीज़ें मुझे याद है वो ना के बराबर याद है, मुझे ज़्यादा उनके बारे में याद नहीं है कि वो कैसे दिखते थे या वो कैसे थे। तो आई रिमेंबर लिटिल, बहुत ही कम मुझे याद है, वो इनफ नहीं है कुछ चीज़ बताने के लिए, बहुत ही कम है, हो सकता है थोड़ी सी झलक मुझे याद हो उनकी, ग्रैंड पेरेंट्स की। तो आई रिमेंबर लिटिल अबाउट माई ग्रैंड पेरेंट्स, मुझे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में बहुत ही कम पता है, बहुत ही कम चीज़ें याद है मुझे उनके बारे में याद, ऑलमोस्ट, मतलब मुझे उनके बारे में कुछ भी याद नहीं है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव का यूज़ हुआ है, मतलब मुझे ज़्यादा याद नहीं, बहुत ही थोड़ी सी याद है मुझे उनके बारे में, राइट। आई रिमेंबर लिटिल अबाउट माई ग्रैंड पेरेंट्स, तो जल्दी से थोड़ा सा रिवाइज हम लोग कर लेते हैं। अ लिटिल, आपने इसको ऐसे याद रखना है कि अ लिटिल टू वर्ड्स आ गए इसमें, तो आपको ये पता होना चाहिए कि टू वर्ड्स हैं, मतलब थोड़ा सा है, काम चल सकता है, राइट। या फिर एक और तरीका है, टू वर्ड्स हैं तो यानी कि एक मैं किसी को दे भी दूँ तो मेरा काम चल जाएगा, यह मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इसको ईजिली याद रख सकें। यहाँ पे टू वर्ड्स हैं, यहाँ पे वन वर्ड है, यहाँ पे हमारा काम चल सकता है, यहाँ पे हमारा काम नहीं चल सकता है, ठीक है। ये पॉजिटिव है कि मतलब हमारे पास जितना है काम चल सकता है। आई हैव अ लिटिल मनी सो आई कैन बाई इट, मतलब मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, मैं इसको खरीद सकता हूँ, इतने पैसे हैं कि मैं खरीद सकता हूँ। आई हैव अ लिटिल वाटर, यू कैन ड्रिंक इट इफ़ यू वॉन्ट, मेरे पास थोड़ा सा, अ लिटिल वाटर, मेरे पास थोड़ा सा पानी है, अगर तुम चाहो तो पी सकते हो, मतलब यहाँ पे हमारा काम चल जाएगा। देयर इज़ अ लिटिल शुगर इन द कंटेनर, कंटेनर में थोड़ा सा शुगर बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं है बट थोड़ा सा है, एक पॉजिटिविटी आई हुई है यहाँ पे। नेक्स्ट है, नेगेटिव में है, सिंगल वर्ड का आपने याद रखना है कि जहाँ पर सिर्फ लिटिल होगा वहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट नथिंग है, मतलब ना के बराबर कोई चीज़ है। शी हैज़ लिटिल मनी टू स्पेंड दिस वीक,
उसके पास बहुत ही कम पैसे बचे हैं इस हफ्ते खर्च करने के लिए, मतलब इस हफ्ते जो उनका खर्चा नहीं चल पाएगा। आई एम सॉरी आई स्पीक लिटिल इंग्लिश, आई एम सॉरी आई स्पीक लिटिल इंग्लिश, मुझे माफ़ करना, मैं बहुत ही कम इंग्लिश बोल पाता हूँ, ना के बराबर, ऑलमोस्ट नथिंग, मैं इंग्लिश में ज़्यादा बात नहीं कर पाता हूँ। आई रिमेंबर लिटिल अबाउट माई ग्रैंड पेरेंट्स, मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में मुझे बहुत ही कम चीज़ें याद हैं, ऑलमोस्ट ना के बराबर याद है, राइट? तो आई होप आपको दोनों में डिफरेंसेस का पता चल गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बता सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।